बीजेपी छुपे छुपे रिमोट कंट्रोल दबाती है, नरेंद्र मोदी जी दबाते हैं। जैसे ही रिमोट कंट्रोल दबता है, एक तरफ अदानी जी को बंबई का एयरपोर्ट मिल जाता है, फिर से दबाते हैं अदानी जी को रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। मैंने नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि मोदी जी आपका अदानी जी के साथ क्या रिश्ता है, जवाब मिला मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी, आदिवासियों को एमएसपी फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए और देश में सबसे बेहतर फॉरेस्ट राइट एक्ट का इंप्लीमेंटेशन छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया। स्वास्थ्य में 5 लाख रुपए परिवार के लिए, 70 लाख परिवारों को फायदा मिला। 380 अंग्रेजी के स्कूल खोले और 42,000 वैकेंसियां भरी। 1.3 लाख युवाओं को 2,500 रुपए महीना का दिया, ये आप जानते हो। दूसरी तरफ भी रिमोट कंट्रोल है, बीजेपी का रिमोट कंट्रोल, वो भी उसको ऐसे ही दबाते हैं, मगर हमने रिमोट कंट्रोल को कैमरा के सामने दबाया। बीजेपी छुपे छुपे रिमोट कंट्रोल दबाती है, नरेंद्र मोदी जी दबाते हैं। जैसे ही रिमोट कंट्रोल दबता है, एक तरफ अदानी जी को बंबई का एयरपोर्ट मिल जाता है, फिर से दबाते हैं अदानी जी को रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, फिर दबाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। तो 2 रिमोट कंट्रोल चल रहे हैं, ये हमारा वाला सबके सामने चलता है, हम इसको दबाते हैं, किसानों के खाते में पैसा जाता है, 2,500 रुपए क्विंटल धान में आपको मिलता है, अंग्रेजी स्कूल खुलते हैं। बीजेपी दबाती है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज हो जाता है। आपका जल, जमीन, जंगल, उनका छुपे छुपे बटन दबता है, अदानी जी के हवाले हो जाता है। तो 2 तरीके के रिमोट कंट्रोल हैं। अब मैंने उनके रिमोट कंट्रोल के बारे में पार्लियामेंट में बात उठाई, मैंने नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि मोदी जी आपका अदानी जी के साथ क्या रिश्ता है, डिफेंस में अदानी जी को पूरा का पूरा फायदा, पोर्ट्स में पूरा फायदा, एयरपोर्ट्स में पूरा फायदा, आपने 5 किसानों के कानून, काले कानून बनाए, उसमें उनमें उनको फायदा देने की कोशिश की। तो मैंने उनसे पूछा, नरेंद्र मोदी जी आपका रिश्ता क्या है, उनके हवाई जहाज में आप जाते हो, रिश्ता क्या है? जवाब मिला, मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कांग्रेसी हैं, हम सच्चाई रखते हैं आपके सामने, हम आपसे झूठे वायदे नहीं करेंगे, और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं।